इसी प्रकार अगर हम नकारात्मक बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू और डस का प्रयोग करेंगे और डू और डस के बाद हम नॉट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ऑब्जेक्ट और ईटीसी। डू का प्रयोग हम सिंगुलर में करेंगे, डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे और डस का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसी तरीके से हम इंटरग्रेटेड सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जब हम एक साथ बनाते हैं तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम चार सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के चार सेंटेंस निर्माण कर सकते हैं। और ये वाला टेंस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी की पहचान है वह है या तो वाक्य के अंत में आ, ए और ई की मात्रा आती है या फिर ता था, ते थे और टी की शब्द लगते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बनाने का वह है सिंपल सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जब हम तैयार करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। जब हम इसमें नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हम यहाँ उपयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है जो हमारी फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। जब हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक जो सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी तरीके से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी हम चार सेंटेंस बना सकते हैं। एक ही जो वाक्य है उसके चार प्रकार से हम उसकी अंग्रेजी को बना सकते हैं। आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में जब हम सेंटेंस देखेंगे वाक्य तो वाक्य की पहचान में होगा वाक्य के अंत में गा, गे और गी ये वाले शब्द आएंगे। जब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जब हम इसका नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसी तरीके से जब हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक सब्जेक्ट बनाते हैं तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा चौथा, जब नकारात्मक और प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाइए तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी हमारे चार सेंटेंस तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस लिखती हूँ और एक एक सेंटेंस की आपको अंग्रेजी में।
सिंपल सेंटेंस आई गो टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट गो टू स्कूल, और इंटरोगेटिव सेंटेंस डू आई गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से एक ही सेंटेंस से हमारे चार सेंटेंस का निर्माण हो गया एक ही वाक्य से। दूसरा एक वाक्य हो रहा है इसमें, वह खाना खाता है। अब यह हमारा सिंगुलर सेंटेंस है, ही वह जो सब्जेक्ट है वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ईट के साथ एस या टी एस को लगाएंगे, तो ही टी एस, ही ईट्स फूड, ही डज नॉट ईट फूड, does he eat food, does he not eat food। तो दो तरीके के सेंटेंस बनाए हमने, एक सिंगुलर सब्जेक्ट से और एक प्लूरल सब्जेक्ट से। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सेंटेंस बनाते हैं। वह P-L-A-Y-E-D played football. दूसरा सेंटेंस जो नेगेटिव है, he did not play. यहां पर हमने played लिखा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जब हम नकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। डिड ही प्ले फुटबॉल, और इसी तरीके से कोई भी वर्ब लेकर के आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस, देखिए माता जी खाना पकाएगी। मदर कुक्स फूड, मदर विल कुक फूड।
बाकी कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। मदर विल नॉट कुक फूड, विल मदर कुक फूड, विल मदर नॉट फूड। इस तरीके से इसके भी हमने चार सेंटेंस तैयार कर दिए। अगर हमारा आई और भी सब्जेक्ट होता है तो यहाँ विल की जगह हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में और कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हमारा इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वह कंप्लीट हुआ। कल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कंटिन्यूस सेंटेंस